हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग GTA 5 नहीं खेलने वाले, क्योंकि हमारी GTA 5 में थोड़ा बहुत भाई साहब कुछ फॉल्ट आ गया है। तो इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों को एक और नई गेम खिलवा दूं। अरे सिंचन पिंचन, तुम लोग कहाँ हो भाई? अरे फैम भी आपके साथ ही तो बैठे हैं, तो बोलो तुम लोग भी बताओ ना। अरे गाइस, हाँ हाँ यार, हमारी GTA 5 में कुछ प्रॉब्लम आ गई है आज, तो इसी वजह से हम लोग एक नई गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल रिवोल्ट बैटल सिमुलेटर। तो जी हाँ गाइस, इस गेम में बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे कि तुम लोग सामने देख सकते हो, एक बहुत ही खतरनाक डरावना बंदर जो है वो एक डायनासोर से लड़ाई कर रहा है। तो इस गेम में भी गाइस कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सबसे पहले गाइस मैं सैंडबॉक्स पर इंटर करता हूँ और देखते हैं भाई हमारे सामने क्या है। सिलेक्ट यूनिट हेयर, और गाइस यहाँ है बहुत सारे फंक्शन। सबसे पहले एनिमल, यूनिट क्रिएटर, वेपन, बिल्डिंग, लैंडस्केप। तो सबसे पहले हम लोग लैंडस्केप में क्या चूज करें, ट्री, ये थोड़ी सी जड़ी बूटियां, ये बुश, भाई ये कुछ नहीं चाहिए हमें। सबसे पहले तो ये लैंडस्केप चाहिए, ये सबसे वाइब प्यारा लग रहा है, काफी अच्छी वाइब्स आ रही है इसे देखकर। अरे फैम भैया, हाँ यार, ग्रीन ग्रीन है ना, इसलिए वाइब्स तो आएंगी अच्छे वाली। ओके, तो गाइस ये हमारी लैंड तो सिलेक्ट हो चुकी है, और अब हमें करने हैं यहाँ बहुत ही खतरनाक वाले गाइस एनिमल है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हमें दिए गए हैं डायनासोर। ओ माय गॉड, अरे बापरे, ये तो फैम भैया बहुत ही खतरनाक तगड़े तगड़े डायनासोर है। अरे हाँ, और ये वाला डायनासोर देखो भाई, एक मिनट मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। गाइस ये चेक करो डायनासोर। अरे फैमिया, मेरे को तो देख के डर लग रहा है यार इस डायनासोर को। अरे भैंस की आँख, क्या डरावना डायनासोर लग रहा है यार। अरे फैमिया, इससे भी तगड़े तगड़े और भी हैं डरावने। अरे उनको भी देख लेते हैं, और ये वाला मेरे को सबसे खतरनाक लग रहा है। 3, 2, 1, और गाइस देखो यार, तुम लोगों को भी देख कर इसे डर लग रहा होगा। अरे बापरे फैमिया, हमें क्या इन डायनासोर से लड़ाई करनी पड़ेगी। अरे ये डायनासोर तो सिंचन कुछ भी नहीं है भाई, इसमें हमें बहुत ही खतरनाक वाले जानवर देखने को मिले। और गाइस एक और जगह हम लोग आ चुके हैं, यहाँ भी देख सकते हो आप लोग कितने खतरनाक खतरनाक डायनासोर है। और ये डायनासोर चेक करो गाइस, ऐसा लग रहा है मैं 4,000 साल पीछे चला गया हूँ। अरे फैमिया, हाँ यार, उसी वक्त ये इतने बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे। हाँ भाई, आजकल ये अगर होते तो भाई इंसान यहाँ दिखते नहीं। अरे फैमिया, हाँ हाँ यार, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चोप का बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे चोप, कहाँ है तू? अरे भाई साहब, मेरे को सुसु आई पड़ी है, मैं जरा होके आ जाऊँ। हाँ भाई, डायनासोर देख के मेरे को लगता है भाग गए, सुसु याद आ गई। चलो कोई नहीं भाई, ये भी आ जाता है। तो गाइस हम लोग आगे देखते हैं, और ये तो एक आंट मुझे लग रही है छोटी सी। अरे फैमिया, हाँ यार, ये तो कीड़ा मकोड़ा लग रहा है। और हाँ भाई, सच्ची में ये तो एक कीड़ा ही है। और ये देखो भाई, बड़ा कीड़ा हो ये देख। अरे फैमिया, ये तो बड़ा ही खतरनाक है यार, मेरे से भी बड़ा है। हाँ सिंचन, तेरे से भी बड़ा है, लेकिन है तो कीड़ा मकोड़ा है भाई। तो गाइस आगे चलते हैं आगे, और ये एनिमल आ चुके हैं गाइस, ये जंगलों में रहने वाले। अरे फैमिया, ये देखो टाइगर भी है। अरे तो हो जाए फिर मुकाबला टाइगर से। अरे फैमिया, क्यों नहीं यार, हो जाए फिर मुकाबला। तो चलो गाइस, मेरा और सिंचन का मुकाबला होने वाला है टाइगर्स का। अरे फैमिया, कैसे होगा मुकाबला? तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी टीम एक सिलेक्ट करूंगा, पहली टीम में होगा मेरा खतरनाक वाला टाइगर। अरे फैमिया, तो मेरा टाइगर कहाँ रखोगे? अरे तुम्हारी भी भाई यहाँ टीम बनेगी। ये है सिंचन की टीम का टाइगर गाइस, ये आप लोग देख लो, ये रेड कलर का जिसका निशान आया पड़ा, ये है सिंचन का टाइगर, और ये है मेरा टाइगर। तो हो जाए फिर मुकाबला। अरे फैमिया, हाँ हाँ यार, जल्दी जल्दी मुकाबला करो, मेरे को लगता है मैं जीत जाऊंगा। ओ भाई, मेरा टाइगर भी कुछ कम नहीं है। तो गाइस यहाँ फाइट हो चुकी है, और ये क्या हुआ? अरे फैमिया, पता नहीं यार, कुछ समझ ही नहीं आई। और वो कहाँ उड़ के चला गया भाई? मेरा टाइगर कहाँ? मैं विक्ट्री, मैं जीत गया। अरे फैमिया, ये तो धोखा है यार, आप कैसे जीत गए? अरे मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आई भाई, ये हुआ क्या है? अरे तुम लोगों को वैसे कुछ समझ आई? अरे फैमिया, नहीं यार, पता नहीं वो क्या हुआ, शेर उड़ के निकल गए पता नहीं बाहर। हाँ गाइस, पता नहीं क्या हुआ, इस बार थोड़ा सा दूर सिंचन का शेर रखते हैं। तो चलो गाइस, हमारी फिर से फाइट जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ये है मेरा शेर, और ये है सिंचन का। 3, 2 स्टार्ट। अरे फैमिया, देखना आप तो मेरा शेर आपको खा जाएगा, शेर को। अरे अरे, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अरे बाप रे, देखा ना, मेरे शेर ने आपको दबोच रहा है, नीचे गिरा रहा है। अरे नहीं नहीं, अब और तेरा शेर को पकड़ लिया ना मेरे शेर ने। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया फैमिया, ऐसा नहीं हो सकता यार, मेरे शेर को गिरा मत देना नीचे। अरे तेरे शेर की तो भाई पुंगी बजा दूंगा। गाइस आप लोग देख सकते हो, मेरे शेर ने इसका मुंह पकड़ा हुआ है, इस शेर का, और अभी मरने के बिल्कुल करीब है। क्या दबोच रखा है, पकड़ के रख भाई, छोड़ना नहीं है। अरे फैमिया, वो आपका भाई नहीं शेर है। अबे जो भी है, लेकिन तेरी टांग को पकड़ लिया। अरे फैमिया, मेरी नहीं, मेरे शेर की। तू ज्यादा बातें मत बना, देख तेरा शेर मरने के बिल्कुल करीब आ चुका है। और ये क्या हो गया? अरे देखा ना फैमिया, मेरे शेर ने दोबारा से एंट्री मारी, और भाई खून खून कर दिया मेरे शेर को भी। अरे नहीं 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 भाई, ये नहीं हो सकता, मेरे को जीतना है। अरे अरे फैमिया, आप बताओ यार, आपके शेर की टांग पकड़ ली ना मेरे शेर ने। अरे वो देख, छूट गया भाई, छूट गया। और ये क्या? अरे फैमिया, देखो यार, मेरा टाइगर जीत गया। अरे ये नहीं हो सकता भाई, मेरा टाइगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस
दे रहा था, अरे फ्रैंक भैया जो भी हो लेकिन मेरे टाइगर ने आपके टाइगर को मार दिया। और नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ओए चौप जल्दी से इधर आ भाई। और भाई सुसु हो गई, बस आ रहा हूँ मैं जल्दी से आ रहा हूँ। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, हम तीनों के टाइगर को एक साथ लड़वाते हैं। सबसे पहले टीम बनाते हैं सिंचन की, तो सिंचन की है ये वाली टीम, और फिर बनाते हैं चौप की टीम। और भाई साहब ठीक है यार मेरी भी टीम बन गई। हाँ भाई, और अब गाइस रखते हैं मेरा टाइगर। तो गाइस आप लोग देख लो, जो रेड वाले निशान वाला है वो है सिंचन की टीम, और ये ग्रीन वाला है ये है चौप की टीम। और मेरे टाइगर के नीचे कोई भी निशान नहीं आ रहा। ये देखो भाई तगड़ी लड़ाई होने वाली है। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं, फिर 3, 2, 1। और फाइनली गाइस फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और किसने किसको पकड़ लिया? अरे चैंपियन मेरे शेर ने आपको पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे शेर ने तुम्हें पकड़ा है। और ये क्या भाई, ये दोनों मेरे को ही दबोच रहे हैं। अरे चैंपियन आपको पकड़ के मारेंगे देखना। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे शेर ने सिंचन को पकड़ा हुआ है और चौप मेरे को छोड़ क्यों नहीं रहा। अरे भाई साहब तेरे को दबोच लेंगे हम दोनों। अरे नहीं नहीं गाइस, ये दोनों मेरे पर झपट पड़े। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चैंपियन देखना आपकी पुंगी बजाएंगे सबसे पहले। और ये क्या हो गया, और ये शेर कहां उड़ के, वो देखो गाइस पता नहीं चौप का शेर जा रहा है टाइगर। अबे ये पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं विक्ट्री। अरे चैंपियन ये कैसे हो गया यार, कुछ समझ नहीं आ रही। अरे तेरे तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगी भाई, मेरे टाइगर ने कमाल कर दिया। चल छोड़ो भाई, अब टाइगर की फाइट तो हो चुकी है, और अब किसकी फाइट करवाएं? अरे चैंपियन ये जंगली भैंसों की फाइट करवाओ आपस में। अरे हाँ गाइस, एक है ये वाली भैंस, ये देखो भाई काफी तगड़ी लग रही है। और ये है एक जंगली ये वाली भैंस। अरे सिंचन तू कौन सी लेगा इनमें से? अरे चैंपियन मैं लूंगा ये बड़े बड़े सींगों वाली भैंस, ये वाली। और ये भैंस तो वैसे नहीं लग रही गाइस, ये मेरे को डियर लग रही है, लेकिन कोई नहीं भाई भैंस भी है। इसके सींग चेक करो भाई, क्या ही खतरनाक है। अरे चैंपियन हाँ यार, जब ये घुसेंगे ना आपकी भैंसे में तो फिर मजा आएगा। तो चलो गाइस देख लेते हैं, सिंचन की टीम अभी बनाते हैं और इसके पास रखते हैं ये सींगों वाला भैंसा। तो गाइस अभी फाइट स्टार्ट करूं? अरे चैंपियन हाँ यार करो। अरे मेरे को लगता है यार ये सिंचन की भैंस जीत जाएगी। अरे मेरी भैंस को नहीं तूने देखा भाई, बहुत ही खतरनाक है। और ये क्या हुआ? अरे चैंपियन मेरी भैंस को क्या हो गया? अरे मेरी भैंस ने भाई एक सेकंड में तेरी भैंस को मार दिया। अरे चैंपियन ये नहीं हो सकता यार, मैंने तो सोचा था बड़ी तगड़ी होगी मेरी भैंस। अरे और ये वाली भैंस के सींग चेक कर। तो गाइस यहां मैं सिंचन से एक बार फिर से जीत गया, याहू। तो अभी कौन सा जानवर ले? अरे चैंपियन अब हाथी की लड़ाई करवाओ यार, मैं हाथी लूंगा। अच्छा भाई साहब तू हाथी लेगा, चलो गाइस ये लेंगे हाथी सिंचन की टीम में। अरे चैंपियन हाँ यार ये अकेला काफी, आप जितनी मर्जी चीजें ले लो। अरे जितनी मर्जी क्या, एक मैं लूंगा ये राइनो, ये रखा राइनो, और हिप्पो एक रख दूं भाई, ये तेरे हाथी को दबोच लेंगे। अरे चैंपियन फिर से सोच लो। अरे हाँ हाँ सिंचन सोचने की क्या बात है गाइस, ये देखो वैसे हाथी काफी तगड़ा लग रहा है। और इधर एक हिप्पो रख दिया मैंने और एक राइनो रख दिया। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक हिप्पो और भी रख दूं यार। अरे चैंपियन जितने मर्जी रख दो रख दो रख दो जितने मर्जी। हाँ भाई अब देखो तगड़ी फाइट होने वाली है गाइस, अभी स्टार्ट करता हूँ। फिर ये हाथी की बैंड बजा देंगे हिप्पो और राइनो मिलके। अरे चैंपियन देखना अभी होता है क्या। हाँ भाई हो देख लेते हैं। और तीनों भाई उसे मारने पे तुल गए भाई, एक ने इधर से पकड़ा है, दो ने इधर से पकड़ा है। अरे चैंपियन देखो हाथी भी सींग मारने की कोशिश कर रहा है। अरे सींग से कुछ नहीं होने वाला भाई, तीनों ने उसे दबोच रखा है, ये कुछ नहीं कर सकता तेरा हाथी। अरे नहीं नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता यार, कहीं मेरा हाथी नीचे ना गिर जाए। अरे तेरे को मैंने पहले ही बोला था भाई दो मैं रख लू, तूने बोला नहीं भाई तू जितने मर्जी रख। और ये देख भाई सींग मार रहा है हाथी की, और फाइनली गया हाथी भाई, मेरा एक भी ना राइनो मरा ना हिप्पो। अरे चैंपियन ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। अरे तेरे को पहले ही बोला था भाई मेरे से पंगा मत ले, तू पंगे लेने लग जाता है। चलो ये हिप्पो राइनो तो जीत के गाइस, वैसे ये हाथी और जिराफ की फाइट करवाते हैं, तो कौन जीतेगा वैसे जल्दी से गाइस तुम लोग कमेंट में बताओ। 3, 2 और स्टार्ट। और ये चेक करो गाइस, हाथी और एक जिराफ की फाइट जब स्टार्ट हो चुकी है। और जिराफ देख सकते हो भाई टांगे मार रहा है, और अरे चैंपियन हाथी को भी देखो यार सींग मार रहा है। हां भाई जिराफ मेरी गाइस टीम का है, और सिंचन की टीम में हाथी, और क्या भाई हाथी मेरे को लगता है कहीं जीत ना जाए भाई। अरे लेकिन वो जिराफ को भी देखना खतरनाक टांगे मार रहा है उस हाथी को। अरे लेकिन हाथी को हो तो कुछ नहीं रहा, कहीं ये नीचे ना गिर जाए, नीचे मत गिरा दियो हाथी भैया, मेरा जिराफ तेरे को टांगे मार मार के नीचे गिरा देगा। अरे चैंपियन तो आपका जिराफ गया बाबा, मेरा हाथी जीत गया। अरे ये तो भाई मेरे को भी लगता था वैसे हाथी जीत जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं भाई साहब, यहाँ हाथी और जिराफ में से गाइस हाथी जीत चुका है सिंचन। और अब इन जानवरों की तो फाइट बहुत होगी गाइस। और ये बंदर, अरे चैंपियन हाँ यार बंदर है ये तो। अरे वाह वाह भाई बंदरों की फाइट करवाते हैं, ये एक बंदर मेरा इधर रखते हैं। अरे चैंपियन दो दो रखो दो दो, चल भाई दो दो रखते हैं गाइस। ये है मेरे दो बंदर मेरी टीम के, और अब सिंचन की टीम बनाते हैं, इसमें भी भाई रखते हैं दो। अरे भाई साहब मेरी भी टीम बना, चल भाई चौप की भी गाइस चलो टीम बना ही देते हैं। ये दो है चौप के,
और पिंचन की भी अब बना देते हैं। अरे फैंपिया, हाँ यार मेरी भी टीम बनाओ ना, इतनी देर से मेरी टीम बनाई नहीं आपने। तो चलो गाइस ये रख दिए हैं अब पिंचन की टीम, और आप लोग देख सकते हो पर्पल कलर है पिंचन की टीम का, रेड सिंचन और ग्रीन कलर है चॉप की टीम का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू। तो गाइस अभी कुछ पता नहीं चलेगा, भाई ये क्या हुआ? अरे फैंपी ये तो एक दूसरे ने बॉम्ब फेंक दिए एक दूसरे पर। ओ ये क्या था भाई, मैं तो सोच रहा था अभी फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं भाई एक दूसरे पर बॉम्ब फेंका और सभी गए। ये गाइस देख सकते हो दो इधर पड़े हैं, दो ये इधर पड़े हैं और दो इधर पड़े हैं। अरे फैंपी ये क्या हो गया हमारे साथ, तो स्कैम हो गया ये। अरे हाँ भाई मैंने सोचा क्या था, हुआ गोचे। एक बार गाइस फिर से ट्राई करते हैं, शायद ये कोई धोखा तो नहीं हुआ हमारे साथ। अरे फैंपी लगता तो नहीं। ओके तो फिर से वैसे स्टार्ट करके देखते हैं, और ये क्या है भाई? अरे फैंपी ये बॉम्ब है बॉम्ब। अरे एक ही बार में भाई सारे ठूस हो गए। तो गाइस उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। अरे फैंपी हाँ यार इस गेम में तो बहुत ही मजा है, और अगर आप इसका पार्ट टू चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में पार्ट टू लिखो। तो चलो इन सभी बंदरों को भाई टाइम टाइम फिश करते हैं। तो अब क्या लें इनमें से, ये वाले बंदर मेरे को काफी तगड़े लग रहे हैं। एक ये मेरी टीम में, एक सिंचन की टीम बनाते हैं, ये इधर सिंचन की, अब चोप की टीम बनेगी। चोप तैयार है? अरे भाई साहब क्यों तैयार नहीं हूँ। और ये है पिंचन की टीम, चलो फाइट हो चुकी है स्टार्ट। और ये देखो भाई क्या घुसा रहे हैं। अरे फैंपी पता नहीं एक बंदे को पकड़ के उन्होंने पीट दिया और दो फूट गए, और अब मैं और पिंचन बचे, और पिंचन मेरे बंदर को भाई क्या कर रहे हैं। अरे फैंपी देखो यार मैंने सबको मार दिया। और इनके हाथ में एक मिनट यार है क्या चीज इनके हाथ में? ओ भाई तेज धार वाले ये नाखून है मेरे को लगता है इनके, और पिंचन ने सबको मार दिया। अरे फाइनली मैं जीत गया ना। अरे क्या बात है भाई पिंचन की। तो अब किस किस की फाइट होनी चाहिए जल्दी से बताओ। अरे फैंपी ये डायनासोर है इतने ज्यादा यार, इनकी फाइट करवाओ ना। अरे हाँ वैसे डायनासोर की फाइट भी करवा सकते हैं, लेकिन भाई आज इन डायनासोर की फाइट नहीं करवानी भाई, हमारी आज की फिर फाइट बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, तो कोई छोटी मोटी चीज की करवाते हैं। अरे और मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास ये फिशेज जो पड़ी है भाई इनकी फाइट करवाते हैं ना। चलो जल्दी से सिलेक्ट करो। अरे फैंपी मेरी ये ग्रेट व्हाइट शार्क उठाओ। अच्छा भाई सिंचन ये व्हाइट शार्क काफी तगड़े वाली है भाई। और चोप तू कौन सी सिलेक्ट करेगा? अरे भाई मेरी ये ओकरा उठाओ। ओकरा क्या? ओकरा? अच्छा ओकरा नहीं भाई ओरका है ये वाली। तो चलो गाइस सिंचन की है व्हाइट शार्क, और चोप ने सिलेक्ट की है ओकरा ब्लैक शार्क। और देख सकते हो भाई दोनों ही तगड़ी है, लेकिन ये ब्लैक वाली मेरे को ज्यादा ही तगड़ी लग रही है कुछ। तो चलो गाइस फाइट करवाते हैं स्टार्ट, और अभी देखते हैं किसकी शिप जो है वो किसको पीटती है, और ये किसने पकड़ा हुआ है। और ये चोप की फिश ने सिंचन को भाई खतरनाक तरीके से पकड़ा हुआ है, और ये अब सिंचन की शार्क ने, और ये दोनों नीचे जा रहे हैं। नीचे नहीं नहीं भाई नीचे नहीं गिरी। और ये एक दूसरे को एक उसका मुंह पकड़ लेती है, एक बार वो उसका मुंह पकड़ लेती है, और मेरे को लगता है कौन सी भारी है शार्क और किसकी शार्क हारने वाली है। अरे देखना सिंचन की शार्क हारेगी, अरे ये तो वक्त ही बताएगा गाइस। और ये देखो भाई सच्ची में सिंचन की शार्क गई नीचे। अरे भाई ये तो धोखा है मेरे साथ, चोप की शार्क तो बड़ी खतरनाक थी। चलो भाई इसका भी कोई हल निकाल लेते हैं, तो टेंशन मत ले। तो गाइस ये है सिंचन की शार्क, जो कि थोड़ी सी तगड़ी नहीं है इतनी ज्यादा, तो इसलिए सिंचन को दे रहे हैं यहाँ दो शार्क। और यहाँ अब चोप की भाई टीम थोड़ी सी हल्की हो चुकी है, तो इसे मैं ये छोड़ दो फिशेज दे देता हूँ। अरे भाई साहब इन फिशेज से अच्छा है तू रहने ही दे, कुछ ना दे। अरे नहीं नहीं चोप थोड़ा बहुत होना चाहिए, चल दो और दे देता हूँ। ये ले भाई अब तो टीम मेरे को लगता है बराबर की लग रही है। अरे कब बराबर की भाई, वो इतनी बड़ी बड़ी शार्क और मेरी सिर्फ एक शार्क। अरे तो छोटी छोटी फिशेज भी तो तेरे को दी है ना। तो चलो गाइस अब फाइट स्टार्ट करवाते हैं, देखते हैं भाई किसकी फिशेज जीती हैं। और सिंचन की शार्क ने भाई छोटी छोटी फिशेज को दबोच लिया है, और दूसरी ने भाई वो तगड़ी वाली चोप की, और चोप की शार्क ने उस सिंचन की तगड़ी वाली भाई शार्क को पकड़ लिया है। अरे फैंपी देखना मैं ही जीतूंगा इस बार तो। अरे गाइस कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा, लेकिन ये क्या भाई सिंचन की दोनों शार्क चोप की शार्क को दबोच लिया है। चोप तेरी तो अब खैर नहीं है। अरे देखना यार इन दोनों को पीटूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। अरे वो तो अब पता चलेगा, सिंचन की शार्क तेरे को अभी बताएंगी भाई, क्योंकि छोटी छोटी फिशेज का तो उन्होंने काम तमाम कर दिया, और ये किसे घुसा पड़ा और चोप गई भाई तेरी शार्क। अरे तूने अच्छा नहीं किया भाई, मेरे को सिर्फ एक शार्क दी थी तूने और उसे दो शार्क। अरे तेरे को ये छोटी छोटी फिशेज भी तो दी थी, लेकिन गाइस फिशेज का तो एक मिनट में ही काम तमाम हो गया था, और यहाँ चोप की शार्क का भी काम तमाम हो गया। अरे फैंपी देखा ना फिर मेरी शार्क तगड़ी है ना। हाँ भाई तगड़ी तो है। चलो अब इनको छोड़ो भाई, शार्क की भी फाइट हो चुकी है गाइस, इनको क्लियर करते हैं जल्दी से। और अब करवाते हैं किसकी फाइट करवाएं, और ये कुछ बंदे नजर आ रहे हैं भाई, इनकी फाइट करवाएं क्या? अरे फैंपी हाँ यार करवाओ करवाओ जल्दी से। तो चलो गाइस यहाँ इनकी फाइट करवाते हैं, तो ये घोड़ा सबसे पहले तो मैं ही लेता हूँ ना। अरे फैंपी हाँ, और मैं ये घोड़ा लेने भी नहीं वाला। चलो भाई तुम लोग ना लो, तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो मेरा एक घोड़ा ही काफी है भाई, लेकिन इन लोगों को दो दो
चलो बंदे दे देते हैं ये वाला चोप, तू कौन सा लेगा? अरे भाई साहब मेरा ये वाला उठाओ ये वाला। तो चलो गाइस ये है चोप के दो बंदे इधर रख दिए, मेरा एक ही काफी है भाई, तुम लोग टेंशन मत लेना, मेरा घोड़ा तुम लोगों की बैंड बजा देगा। अरे फेबी ये तो वक्त ही बताएगा ना। तो चलो अभी स्टार्ट हो चुकी है फाइट, और ये क्या कर दिया, अरे मेरे बंदे को टपका दिया इन्होंने। अरे भाई देखा ना मैंने तेरे बंदे को एक नेजा मारा, और लेकिन मेरा घोड़ा चेक कर सकते हो भाई क्या ही टांगों से काम चला रहा है भाई। ये देख पिछली टांगों से, आजा आजा भाई ये किसके बंदे हैं? अरे फैमिली ये मेरे बंदे हैं, और ये देखो काम तमाम हो गया ना। अरे मैं तो समझ रहा था भाई मेरा घोड़ा कमाल कर देगा, और एक तो भाई मेरे बंदे को पहले नेजे में इन्होंने भाई गिरा दिया नीचे। चलो कोई नहीं बच्चों, इस बार देखना मैं क्या करता हूँ। अरे फैमिली जो मर्जी कर लो हमसे नहीं जीत पाओगे। अरे देखना मैं करता क्या हूँ भाई, अपने घोड़े को थोड़ा सा करता हूँ पीछे, और मेरा घोड़ा थोड़ा सा भाई इतना हैवी। चलो भाई एक से काम चलाते हैं, तो लेट्स गो 3-2 और ये लो भाई अब तुम लोग नहीं बचने वाले मेरे घोड़े से। अरे फैंकिया अब भी बच जाएंगे। नहीं नहीं भाई अब नहीं बचने वाला, ये देखो मेरा घोड़ा काफी खतरनाक तरीके से आता हुआ, और ये एक और बंदा गया। अब ये किसकी टीम का, सिंचन का बंदा भाई, एक बचा है और देखना इसको भी। ये लो गया भाई, मेरे घोड़े ने तो भाई मजा करवा दिया, और इस बार भाई नेजे वाले बंदे को भी कुछ नहीं हुआ। अरे फैंकिया ये आपने दो नंबरी की, अपने बंदे का थोड़ा सा पीछे खड़ा कर दिया। अरे तो इसमें क्या है, तुम लोगों के दो दो बंदे थे, मेरे पास सिर्फ एक ही भाई घोड़े वाला बंदा था, तो इतना तो थोड़ा मोड़ा चलता है ना। तो चलो गाइस आई होप आप लोगों ने भी आज की ये गेम प्ले को एंजॉय किया होगा। अरे क्या भी एक लास्ट गेम खेल लो ना। क्या लास्ट गेम खेलूं? अरे हाँ भाई साहब देखना तेरे को हरा के छोड़ेंगे हम लोग। चलो भाई गाइस लास्ट गेम खेल लेते हैं, इन लोगों की मान लेते हैं। तो मेरा तो भाई मैं घोड़ा ही लूंगा एक ही जगह, चलो दो घोड़े ले लेता हूँ। तो सिंचन यही टीम चूज करेगा। अरे फैं भी हाँ यार अब रखो यहाँ पांच बंदे। क्या पांच बंदे? अरे फैं भी हाँ यार क्यों चौंगे। अरे भैंस क्यों पांच बंदे और दो घोड़े? नहीं भाई तीन घोड़े मैं भी रखूंगा फिर, ये दे। अरे भाई साहब मेरे भी बंदे रख फिर। अल चौब तेरे भी बंदे रख रहा हूँ, और ये ले भाई एक दो तीन चार और ये ले पांच। भाई जहाँ चौप के भी पांच बंदे हो चुके हैं। तो अभी गाइस देखते हैं इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम जीतती है। मेरे को तो लगता है भाई मेरी टीम जीत जाएगी। अरे फैंकी आप बस स्टार्ट करवाओ, देखते हैं किसकी टीम जीतती है। ओ भाई ये क्या हो गया, मेरा एक नेजे वाला बंदा टपका दिया भाई इन लोगों ने। लेकिन कोई नहीं अभी दो बंदे मेरे पड़े हैं घोड़े वाले, और अभी एक घोड़ा भी पड़ा है भाई, टेंशन नहीं लेने का। और ये भाई अपने घोड़े को टपका दिया तूने, अभी क्या कर रहे तू? अरे फैंकी देखा ना मेरे बंदे बच गए, चौप टपक गया। हाँ भाई चौप के बंदे जल्दी टपक जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मेरे दो घोड़े बचे हैं, दो ही बंदे बचे हैं, और सिंचन के तीन चार बंदे भाई अभी पड़े हैं, और ये भाई घोड़े को मार दिया मेरे को। अरे देखना मेरी टीम जीत जाएगी। अरे तुम लोगों को ऐसे नहीं जीतने दूंगा भाई, आखिरी पॉइंट तक लड़ूंगा। लेकिन सिंचन के भाई चार बंदे अभी भी खड़े हैं यहाँ पर, और ये गया एक बंदा। अरे देखा ना फिर आपके घोड़े को टपका दिया। अरे भैंस की आंख, इसलिए सिंचन बोल रहा था कि भाई लास्ट वाली गेम खेलो। और ये देखो सिंचन के तीन बंदे और ये डांस कर रहे हैं। अरे फैंकिया हाँ यार हम लोग जीत गए हैं ना, इसलिए डांस तो बनता है। चलो कोई नहीं बच्चू, आज तो तुम लोग डांस कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम हम लोग डांस करेंगे, कोई बात नहीं। तो गाइस आई होप आपको आज की हमारी ये गेम प्ले में मजा आया होगा। नेक्स्ट टाइम तुम लोग क्या सोचते हो, किन किन की फाइट होनी चाहिए, किन किन एनिमल्स की फाइट करवाएं हम लोग, हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।